नमस्कार, एमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपशिखा। बुलेटिन की शुरुआत खबरों से। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में पिछले 24 घंटे में 678 नए के सामने आए हैं। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 3.98 के साथ दो लोगों की मौत हुई। वहीं इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 3410 हुई। राजधानी दिल्ली में शनिवार को 17037 लोगों का कोविड टेस्ट हुआ, जिसमें 600 से ज्यादा कोविड पॉजिटिव निकले। इसके साथ ही 969 लोगों जो लोग हैं वो रिकवर हुए हैं। इस समय दिल्ली में कोरोना के 2534 मरीज होम आइसोलेशन में हैं और 198 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं दिल्ली में इस समय 73 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं और 8 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। इसके अलावा 80 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना का दफ्तर सील हो गया है। आपको बताने के आदित्य ठाकरे समेत सभी विधायकों को एकनाथ शिंदे ने व्हिप जारी किया है। बताने के आज विधानसभा के विशेष सत्र का पहला दिन है, जिसमें स्पीकर का चुनाव होना है। वहीं सोमवार को सत्र के दूसरे और आखिरी दिन फ्लोर टेस्ट किया जाएगा। वहीं विधान भवन में शिवसेना के विधायक जिस दफ्तर में बैठते थे वहाँ पार्टी का कामकाज होता था, उसे सील कर दिया गया है। साथ ही इस दफ्तर में काम करने वाले करीब 11 कर्मचारी हैं, जिन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शिवसेना के दोनों गुट की तरफ से इस दफ्तर का दावा किया जा रहा है। दिल्ली में मानसून की दस्तक के साथ वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते तापमान में गिरावट आई है, जिसके चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। वहीं राजधानी दिल्ली और एनसीआर में मानसून की दस्तक के बाद लोगों को भीषण गर्मी से न सिर्फ राहत मिली बल्कि 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक दिल्ली के तापमान में गिरावट के चलते बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के तापमान में गिरावट जारी रहेगी। साथ ही आसमान में बादल छाए रहने के साथ विभिन्न इलाकों में हल्की बरसात के साथ थंडर शावर की संभावना भी जताई गई है। जम्मू कश्मीर और लेह में जल्दी ही गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। जहां बाकी राज्यों में छुट्टियों के बाद स्कूल खुल गए हैं, वहीं जम्मू कश्मीर स्टेट स्कूल बंद करने की तैयारी में है। इसके साथ ही लेह में बढ़ते कोविड केसेस के कारण समर वैकेशन घोषित कर दिए हैं। यहां पर 15 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नोटिस जारी करते हुए ये जानकारी दी कि गर्मी की छुट्टियां दोनों डिवीजनों में 4 जुलाई से शुरू हो रही हैं। 4 जुलाई से स्कूलों के लिए 15 दिनों की गर्मी की छुट्टी का आदेश दिया है। वहीं आदेश में कहा गया है कि कोविड मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए खासकर बच्चों के बीच संक्रमण बढ़ने से रोकने और संक्रमण की इस चेन को तोड़ने के लिए गर्मी की छुट्टियों को प्रीपोन किया जा रहा है। वहीं यानी समय से पहले छुट्टियां शुरू की जा रही हैं। लद्दाख में पिछले 6 दिनों से 60 से ज़्यादा कोविड केस सामने आए हैं। नगरीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रत्याशी रानी अग्रवाल के चुनाव प्रचार में अपने एक दिवसीय दौरे पर आए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ईमानदार देशभक्त पार्टी है, हम ईमानदारी से काम करते हैं। आज मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, सिर्फ एक विनती करता हूँ कि आप सभी को आम आदमी पार्टी को सिर्फ एक मौका देना है, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को वोट देने की अपील की। अब देखना होगा कि केजरीवाल का ये दौरा आम आदमी पार्टी प्रत्याशी को कितनी सफलता दिलाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक दो ही पार्टियां थी, बीजेपी कांग्रेस और दोनों एक ही जैसे हैं।
दोनों एक ही जैसे हैं, जब जिसको मौका मिलता है वही पैसे कमाता है। हम पैसे नहीं खाते, हमारी पार्टी ईमानदार पार्टी है। मैं ठोक बजा के कहता हूँ, पूरे देश में जहां भी जाता हूँ, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है। हम पैसे नहीं खाते। आज दिल्ली से चल के सिंगरौली के भी लोगों के बीच में आया हूँ एक ही बात कहने के लिए कि एक मौका दे के देखो। अभी तक आपने बीजेपी वालों को मौके दिए, कांग्रेस वालों को मौके दिए। एमपी मौसम विभाग ने शनिवार 2 जुलाई 2022 को 12 जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वर्तमान में अलग अलग स्थानों पर 5 वेदर सिस्टम एक्टिव होने से मानसून एक्टिव हो गया है। वहीं सभी 5 संभागों और 8 जिलों में बिजली गिरने और चमकने को लेकर भी चेतावनी जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में भी मानसूनी हलचल तेज हुई है। इसके असर से 5 जुलाई से पूर्वी मध्य प्रदेश में और 7 जुलाई से पश्चिमी मध्य प्रदेश में झमाझम वर्षा का सिलसिला शुरू होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। रोजाना 100 से अधिक नए संक्रमितों की पहचान हो रही है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में 161 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इसके बाद राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 140 हो गई है। वहीं कोरोना की तीसरी लहर के बाद पहली बार सक्रिय मरीजों की संख्या 1000 पार हुई है। दुर्ग जिले में कोरोना के मामले सबसे ज़्यादा बढ़े। वहीं दरअसल स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के अनुसार प्रदेश भर में शनिवार को 11585 सैंपलों की जाँच हुई। इसमें 161 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और 104 संक्रमित मरीज कोरोना से ठीक हुए। लेकिन अब राज्य की औसत पॉजिटिव दर बढ़कर 1.39% हुई है। वहीं शनिवार को दुर्ग जिले में सर्वाधिक 37 नए मरीज मिले। इससे पहले जून महीने में रायपुर कोरोना का केंद्र था, अब दुर्ग में ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। उमरिया जिले में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 5 लाख के लोन पर शिकायतकर्ता से एसबीआई के फील्ड ऑफिसर ने दलाल के माध्यम से 10,000 रुपए की मांग की थी, जिसके बाद हेल्पलाइन पर हुई शिकायत का सत्यापन कर सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। एसपी अजय कुमार ने 8 सदस्यीय टीम के साथ दबिश देकर फील्ड ऑफिसर और दलाल को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि फिलहाल नौरोजाबाद के एसईसीएल रेस्ट हाउस में दोनों से पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश व्यापी फसल बीमा जागरूकता सप्ताह की शुरुआत की है। वहीं 15 जुलाई तक भ्रमण कर किसानों को फसल बीमा के प्रावधानों की जानकारी और फसल बीमा कराने के लिए प्रेरित करेंगे। इसको लेकर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान निजी तौर पर करते हैं, इसीलिए किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना चाहते हैं, क्योंकि किसान केला पपीता टमाटर जैसे कैश क्रॉप लेते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। अलग अलग योजनाएं हैं, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और हमारा सौभाग्य है कि हम लगातार फसल बीमा चाहे वो खरीफ का हो चाहे रबी का हो किसानों से करते हैं, और किसान निजी तौर पे भी करते हैं, और छत्तीसगढ़ में जितना प्रीमियम अभी तक किसान दे रहे हैं उससे ज़्यादा की राशि फसल बीमा से किसानों को प्राप्त होते रहा है। बुलंदशहर के जिला अधिकारी और एसएसपी ने रामघाट और गंगा घाट का निरीक्षण किया। इसके साथ ही अधिकारियों ने कांवड़ यात्रा के दौरान घाट से जल भरकर ले जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से बैरिकेडिंग कराए जाने और गहरे पानी में सांकेतिक लगाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे सहित साफ सफाई की कराए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके उपरांत नरवर घाट राजघाट कर्णवास का भी निरीक्षण करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
सितारगंज में जिला अधिकारी युगल किशोर पंत ने उकरौली के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि गांव की बाढ़ से सुरक्षा के लिए स्टड निर्माण कार्य तेजी से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रिवर चैनलाइज कार्य के माध्यम से नदी के बहाव को आबादी क्षेत्र से डाइवर्ट करते हुए नदी का रुख सीधा किया जाए, ताकि आबादी वाला क्षेत्र सुरक्षित रहने के साथ ही नदी के बहाव से भू कटाव ना हो। चैनलाइजेशन का काम कर रहे हैं और इस पर निर्माण का काम कर रहे हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी इसकी एक योजना बना के गवर्नमेंट को भेजी जा रही है, ताकि आने वाले दिनों में यहाँ पे कम भू कटाव हो और नदी सीधे अपने गंतव्य पर चले। शाजापुर के नेशनल हाईवे 52 पर सड़क हादसा हो गया। बताने की यात्री उज्जैन से राजगढ़ अपने घर जा रहे थे, तभी लोगों से भरी मैजिक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार 14 लोग घायल हो गए और एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घायलों को 100 डायल और 108 की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर उनका उपचार जारी है। लोडिंग गाड़ी थी जी, तो कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये होल्डा सा जा रहे थे हम, मानोता। कहाँ से? उज्जैन से। कितने लोग बैठे थे? 10-15 लोग बैठे थे। क्या हुआ, काम कर रहे? ये यहाँ पे शाजापुर के आगे खोले थे। क्या नाम? राजगढ़ जिले में तहरीन के पास कोई होल्डा सा जाना जा रहा है। रास्ते में ड्राइवर से बात करते हुए ड्राइवर ने बताया है कि स्टीयरिंग फेल होने से वाहन पलट गया। लूटिंग वाहन मजानिया के आगे पीछे पलट गया है, उसके कारण अभी 13-14 लोग भर्ती लोग आए हैं एक्सीडेंट वाले, और एक महिला की मृत्यु हो गई। उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के 5वें दिन उदयपुर में कर्फ्यू में 10 घंटे की ढील दे दी गई है। वहीं सुबह 8 से शाम 6 बजे तक बाजार खुलेंगे, इसके बाद कर्फ्यू जारी रहेगा। उदयपुर और जयपुर में भी इंटरनेट बंद करने का सरकार ने फैसला लिया है। कन्हैयालाल की हत्या के खिलाफ जयपुर में भी प्रदर्शन होगा। स्टैच्यू सर्किल पर सुबह 10 बजे हनुमान चालीसा का पाठ होगा, जिसमें हिंदू संगठनों के साथ कई सामाजिक और धार्मिक संगठन इसमें शामिल होंगे। उदयपुर में हुई घटना की आंच अब छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। रायपुर समेत प्रदेश भर में बंद का आह्वान किया गया है। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल मिलकर इस बंद का आह्वान किया है, जिसका असर रायपुर में देखने को मिला। इसी बंद के आह्वान पर सभी थानों के पुलिस के अलावा 400 अतिरिक्त बल लगाए गए थे। हर थाने को अतिरिक्त पेट्रोलिंग, संवेदनशील जगहों पर फिक्स पॉइंट, QRT और रिजर्व बल की व्यवस्था की गई थी, ताकि शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे और हर परिस्थिति से निपटा जा सके। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो बंद का आह्वान किया गया है, उसको देखते हुए सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था रायपुर पुलिस के द्वारा की गई है और सभी थानों की पेट्रोलिंग लगी हुई है। उनको अतिरिक्त पेट्रोलिंग की गाड़ियाँ भी दी गई हैं, बल भी दिया गया है और थानों के जो बल है उसके अलावा 400 का अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। दुर्ग के कुम्हारी में एक कपड़ा व्यापारी के लापता हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं आया। केवल खारून नदी के पुल के नीचे युवक का बाइक और मोबाइल मिला है, जिसकी वजह से युवक के नदी में डूबने की आशंका पर SDRF की टीम ने युवक की तलाश की, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिल सका। वहीं एडिशनल SP विश्वास चंद्राकर ने बताया कि व्यापारी का पता लगाने के लिए उसके रिश्तेदार और दोस्तों से भी पूछताछ की गई है। इसके अलावा पुलिस दुकान से घर जाने वाले रास्ते का CCTV फुटेज भी देख रही है। एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि जय कुमार साहू, जो कि कुम्हारी का रहने वाला है, कपड़े का व्यवसाय करता है, वो गुम गया है। इस संबंध में पतासाजी की गई। प्रार्थी का बाइक और मोबाइल खारून नदी के किनारे पाया गया। गोताखोर लगाकर खारून नदी में तलाश कर लिया गया है, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली।
छतरपुर के मैदनीवार गांव में मतगणना के दौरान हारे हुए प्रत्याशियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि देर रात मतदान में जब मतगणना चल रही थी, तभी आरोपियों ने भीड़ का फायदा उठाकर मतगणना स्थल पर हंगामा करते मतदान पर्चियां छीनकर उन्हें जला दिया और पीठासीन अधिकारी के साथ मारपीट की, जिस पर पुलिस बड़ा मलेहरा थाने में 8 नामजद आरोपियों पर डकैती और शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया था, जिस पर 8 आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य की तलाश जारी है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बड़ा मलेहरा थाना पर प्रकरण दर्ज किया गया है। ऐसे लोगों के विरुद्ध हमने डकैती, बलवा, शासकीय कार्य में बाधा, लोक संपत्ति विरूपण, इन सब धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है और इसे चिन्हित करके इन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाए जाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई को आंध्र प्रदेश के भीमा राव और गुजरात के गांधीनगर जाएंगे। यहां प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे, जिसकी थीम न्यू इंडिया के टिकट को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी प्रौद्योगिकी की पहुंच बढ़ाने, जीवन यापन को आसान बनाने और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सेवा अदायगी को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई डिजिटल पहलों को शुरुआत करेंगे। वहीं लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती समारोह का शुभारंभ करेंगे, जो साल भर तक चलेगा। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे प्रधानमंत्री गांधीनगर में डिजिटल इंडिया वीक 2022 का उद्घाटन करेंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 2 दिवसीय यात्रा के लिए गुजरात जाने वाले हैं। आपको बता दें कि गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनका ये दौरा अहम होगा। वहीं जानकारी के अनुसार केजरीवाल यात्रा के दौरान मुफ्त बिजली के मुद्दे पर एक बैठक करेंगे और पार्टी के नए पद अधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। बता दें कि गुजरात में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाशने में लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से चलाई जा रही अमृत सरोवर योजना का लाभ हंडिया तहसील में देखने को मिलेगा। इसी के तहत क्षेत्र के बम्हुरी तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। दिल्ली से आई एक टीम ने इस सरोवर का निरीक्षण भी किया था। निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने इस तालाब का नामकरण ओशो सरोवर रखने की सहमति व्यक्त की थी, जिस पर अधिकारियों ने सहर्ष तालाब का नाम ओशो सरोवर रखने की सहमति दे दी थी। यहाँ से मेरी मदर निर्विरोध सरपंच है और ये हमारे तालाब का काम अडानी ग्रुप द्वारा चल रहा है। ये NH-47 का जो काम हो रहा है उसमें ये तालाब गहरीकरण के कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा, और बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर तालाब बनाया गया है। तालाब का गहरीकरण भी चल रहा है, जो माननीय मोदी जी ने जो 75 तालाब अमृत सरोवर के अंदर लिए हरदा ज़िले में, माननीय कमल जी पटेल ने भी उसमें प्रयासरत रहे हैं, उसके कारण आज हमारे यहाँ जो तालाब का गहरीकरण हो रहा है। यूपी के सहारनपुर में संपूर्ण समाधान दिवस शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायतों का निस्तारण करवाने पहुंचे। इस दौरान सिंचाई, बिजली, नगरपालिका, पुलिस विभाग सहित कई विभागों की शिकायत लेकर फरियादी पहुंचे। वहीं SDM ने अपने अधीनस्थों को शिकायतों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए। तहसील दिवस आज शनिवार को यहाँ लगाया गया है। यहाँ सभी अधिकारी आए हैं, BDO साहब हैं, CO साहब भी थे, तहसीलदार साहब हैं और सभी विभागों के अधिकारी हैं। जो भी लोग शिकायत करता आ रहे हैं उनको सुना जा रहा है और संबंधित विभाग को भी सुनवाया जा रहा है, उसके बाद निस्तारण कराया जा रहा है। जो यहाँ पर निस्तारण नहीं हो पा रहा उसके लिए टीम बना के भेजी जा रही है। आज अभी इस तहसील दिवस में कुल 20 शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं। तिलमिलाती गर्मी से निजात दिलाने के लिए RPF पुलिस बल ने नई पहल की है। आपको बता दें कि अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर पेयजल पानी की व्यवस्था की है। स्टेशन पर रेल कुछ ही देर के लिए रुकती है, जिसकी वजह से यात्रियों को पानी मिलने में परेशानी होती है। इसी परेशानी से निजात दिलाने के लिए RPF पुलिस बल ने ये व्यवस्था की है, जिसका सभी यात्रियों ने RPF पुलिस बल का आभार व्यक्त किया। RPS इंस्पेक्टर राजीव वर्मा ने बताया कि अमृत महोत्सव के तहत
तहत रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए ये कैंप लगाया गया है। आज़ादी का जो 75वां वर्ष में हम लोग अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उसी को लेकर रेलवे बोर्ड द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, तो उसी के तहत कुछ कार्यक्रम हम लोगों को करने हैं। तो निःशुल्क जल सेवा रेलवे यात्रियों के लिए हम लोगों द्वारा आज इसका आयोजन किया है। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आखिरी चरण बाकी है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल जीत का दावा कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की और कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों को जनता का समर्थन मिल रहा है। साथ ही उन्होंने भरोसा भी जताया कि पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ता पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि 18 तारीख को भाजपा की 16 नगर निगम में ऐतिहासिक जीत होगी। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में सहारनपुर जिला प्रशासन मानसून को अलर्ट किया है। वहीं जिले में यमुना नदी के किनारे 3 तहसीलों पर 25 बाढ़ चौकियां बनाने की कवायद जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। साथ ही बेहट तहसील इलाके में 11 बाढ़ चौकियां बनाई जा रही हैं। जनपद के 3 तहसीलों में मुख्यतः बेहट, नकुड़ और सहारनपुर सदर तहसीलें ऐसी हैं जिनमें बाढ़ की संभावनाएं बनी रहती है। लगभग इन तीनों तहसीलों को मिलाकर के 176 गांव ऐसे हैं जो नदियों के किनारे हैं, जहां पर बाढ़ को लेकर के वे 176 गांव संवेदनशील है। अब बात मुंबई पीडब्ल्यूडी विभाग के घोटालों की है, जहां कुछ भ्रष्ट सरकारी आम जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर चाहे वो सरकारी विभाग हो या फिर गैर सरकारी। हर विभाग को बड़ी बड़ी जिम्मेदारी से बांध दिया जाता है, लेकिन कुछ सरकारी नुमाइंदे करोड़ों के घोटालों के नीचे इतना दबे हुए हैं कि उनको विकास और जिम्मेदारी का भार उठाना भी मुश्किल पड़ता है। या साफ शब्दों में कहें तो सरकार के कुछ भ्रष्ट नुमाइंदे ही सरकार और जनता के लिए आस्तीन का सांप बनकर बैठे हैं। अब ऐसे में लाजमी है कि जनता की परेशानी सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए रिपोर्ट। पीडब्ल्यूडी विभाग में घोटालों का बोलबाला। महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी का बड़ा घोटाला। पैसे खिलाने वाले सरदार और ईमानदार कर्जदार। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर या डिप्टी इंजीनियर जिम्मेदार। क्या काले का नामों के जिम्मेदार नांद्रेकर साहब? आखिर कौन है करोड़ों के घोटाले का जिम्मेदार? आखिर कब रुकेगा भ्रष्टाचार? जनता कर रही जांच की मांग। आखिर क्यों सरकारी नियमों को तोड़कर टेंडर दिया गया? बिना काम किए बिल क्यों दिए गए? ठेकेदार और भ्रष्ट अधिकारियों की साठ गांठ। पैसे लेकर टेंडर देने का आरोप। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुंबई में पीडब्ल्यूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर कार्यरत हैं। प्रेसिडेंसी डिवीजन को राज्य सरकार की संपत्तियों की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुदान देती है और इसी अनुदान से ही ये काम होते हैं। सरकारी पैसे का खूब दुरुपयोग किया जा रहा है, काम न करते हुए भी बिल अदा किए जा रहे हैं और इसी निधि का गबन किए जाने का आरोप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चंद्रकांत नाइक और डिप्टी इंजीनियर नांद्रेकर पर लगाया जा रहा है। बता दें कि 2 साल पहले भी कार्यकारी अभियंता स्वामीदास चौबे द्वारा गड़बड़ी पाई गई थी। आखिर इन सब अवैध कामों को बढ़ावा किसके संरक्षण में दिया जाता है? तो इन घोटालों की आईआईटी मुंबई द्वारा जांच की जाने की मांग की जा रही है और आम जनता द्वारा मास्टरमाइंड कहे जाने वाले नांद्रेकर और संबंधित अधिकारियों के फोन रिकॉर्ड्स, संपत्ति और बैंक लेनदेन की जांच करने की मांग आम जनता द्वारा की जा रही है। वहीं छोटे ठेकेदारों और आम जनता का कहना है कि जाँच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखने वाली बात यह है कि इन घोटालेबाजों पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एमके एन न्यूज़। नमस्कार।